सरकार ने सुरक्षा का हवाला देते हुए उनसे चाइनीज ऐप को बैन कर दिया गया है। उनमें से एक है टिकटॉक और भारत से टिकटॉक के लाखों यूजर्स हैं जो टिकटॉक पे वीडियोस बनाते हैं, लोगों को एंटरटेन करते हैं। लेकिन अब जब टिकटॉक बंद हो चुका है तो ये यूजर्स क्या करेंगे? सभी के मन में यही सवाल है कि अब इन बेचारे यूजर्स का क्या होगा और ये कैसे अपने फॉलोवर्स हैं, अपने व्यूअर्स हैं, उनको एंटरटेन करेंगे। तो आपको बता दें कि जब टिकटॉक बैन हो रहा था तो इनके यूजर्स ने अपने आखिरी वीडियो में ऐसा ही कुछ इशारा दिया कि उनका टिकटॉक बैन हो जाने पर कैसा रिएक्शन है, वो खुश है या फिर वो परेशान है। इसके अलावा कईयों ने ये भी बताया कि टिकटॉक के बैन हो जाने के बाद वो किस प्लेटफॉर्म पर अपने फॉलोवर्स को एंटरटेन करते हुए नजर आएंगे। तो कई लोगों ने अपनी आखिरी वीडियो में बताया कि या तो वो उन्हें मिलेंगे इंस्टाग्राम पर या फिर मिलेंगे यूट्यूब पर, और साथ ही उन्होंने अपने चैनल का उन्हें लिंक भी शेयर किया और कहा कि आपको इसी तरीके से एंटरटेन करते रहेंगे। डेली ट्रेंडिंग न्यूज की रिपोर्ट। सब्सक्राइब करें हमारा चैनल ऐसी ही लेटेस्ट और इंटरेस्टिंग न्यूज के लिए।